हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको मित्सुबी इलेक्ट्रिक ड्राइव E700 का अलार्म रिसेट करना सिखाने जा रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस ड्राइव में E.071 अलार्म आ रहा है, तो हम अलार्म को ड्राइव मैनुअल में चेक करेंगे। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, मैनुअल में अलार्म लिस्ट है और अलार्म लिस्ट में E.071 के आगे लिखा हुआ है ओवर करंट ट्रिप ड्यूरिंग एक्सीलरेशन। तो इसका मतलब है दोस्तों कि जैसे ही हमारी मोटर स्टार्ट हो रही है, उसी टाइम मोटर ट्रिप हो जा रही है। तो फ्रेंड्स, इस फॉल्ट से रिलेटेड मैनुअल में दिए गए सभी चेक पॉइंट को हम रीड करेंगे और ड्राइव को फॉल्ट रिसेट करेंगे। इसी तरह करेक्टिव एक्शन में भी ड्राइव को रिसेट करने के लिए सभी तरह के पॉइंट दिए गए हैं। हम उनको भी एक बार रीड करके ये पता करने की कोशिश करेंगे कि हमारे केस में क्या प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से मोटर ट्रिप हो रही है। या फिर फ्रेंड्स, आपको अपने एक्सपीरियंस से देखना पड़ेगा कि मोटर पर इनिशियल लोड कहाँ से आ रहा है। अगर मान लो मोटर कहीं कन्वेयर पे लगी है, तो आपको देखना पड़ेगा कि कन्वेयर कहीं जाम तो नहीं हो रही है, या कन्वेयर पे चेन लगी है तो कहीं चेन जाम तो नहीं हो रही है। ये सब आपको पॉइंट्स खुद अपने लेवल पे चेक करने पड़ेंगे और प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करके ड्राइव को रीसेट करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करके ड्राइव से फॉल्ट को रीसेट कर सकते हैं। थैंक यू।